गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपको NAS के बारे में बताएंगे। NAS क्या होता है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे। इसमें बच्चों की या विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ये उपलब्धि परीक्षण कक्षा 3, 5, 8 और 10, इन कक्षाओं के लिए आयोजित किया जाएगा। आज हम आठवीं क्लास का जो परीक्षण 2017 में हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब 2017 के बाद ये अब 2021 को आयोजित होने जा रहा है। हम देखेंगे कि 2017 में ये किस प्रकार आयोजित हुआ था, इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। आठवीं क्लास में एक तो ध्यान करें बच्चे कि चार विषय आएंगे आपके पास। नंबर एक आपके लिए आएगा हिंदी, नंबर दो आएगा आपका गणित, नंबर तीन आपका विज्ञान और नंबर चार आपका आएगा एसएस या सामाजिक। इन चारों में आपके 15-15 नंबर के प्रश्न, टोटल 60% 2017 में आए थे। अब 2021 में लगभग 63% की बात कही जा रही है। तो हम 2017 का ये एक सॉल्यूशन देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले तो आपके लिए एक ओएमआर शीट होगी और उसमें आपको पहले कुछ इंस्ट्रक्शन भरनी होगी। ये आपको आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो भरवा देंगे। वैसे यूडाइज कोड आपको स्कूल का मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। आईडी वहीं बताई जाएगी। आपको आधार कार्ड खुद का भरना होगा बच्चे का। इसके बाद एरिया कोड होगा कि आपका एरिया स्कूल अब किस एरिया में है, रूरल यानी ग्रामीण में है, अर्बन में है, तो एक या दो कोड आप यहाँ भरेंगे। सेक्शन आपको बता दिया जाएगा। आपका सोशल ग्रुप बताया जाएगा। ये आपको लगभग पता ही होगा कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल है, जो है आप उसी का कोड 1, 2, 3, 4 इसमें आप फिलअप करेंगे। इसके बाद CWSN यानी कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ विशेष कोड दिए गए हैं, उसी कोड के हिसाब से आपको यहाँ भरना होगा। इसके बाद स्टूडेंट का नेम, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये नेम आपको भरने होंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं एक बार ताकि इसको ध्यान से समझ लें। यहाँ सबसे पहले कहा गया कि परीक्षण आरंभ करने से पहले अन्वेक्षक अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य स्थापित करे, कि यानी बच्चों के साथ सामंजस्य बैठाए, उनको खुद बच्चों के साथ सही तरीके से बात करे, उनको मतलब भय रहित वातावरण में परीक्षा देने के लिए प्रेरित करे। दूसरा है कि यह परीक्षण अध्यापक या शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन नहीं करता है। यह परीक्षण विद्यार्थी की जानकारी, समझ एवं उसका प्रयोग जानने के लिए बनाया गया है। नंबर तीन बात, ये ओएमआर शीट पर भरने के कुछ निर्देश दिखाए गए हैं या कोड दिए गए हैं जो ऊपर भी दिए हुए थे, इन कोड को आप देख कर भर सकते हैं। एक बात यहाँ लिखी कि इस पुस्तिका में 60% है, सभी प्रश्नों का उत्तर देने का आपको प्रयास करना है। एक बात यहाँ लिखी गई है कि प्रश्न पुस्तिका में चार विषय हैं, प्रत्येक में 15% है, भाषा यानी हिंदी के 15, गणित के 16 से 30 नंबर तक, विज्ञान के 31 से 45 तक, सामाजिक विज्ञान के 46 से 60 तक। आगे की प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 120 मिनट है सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, यानी टोटल 60 के लिए आपके 120 मिनट है। तो आप ये समझे कि एक प्रश्न के लिए आपको 2 मिनट मिल रहे हैं। उत्तरों को ओएमआर शीट में ही आपको अंकित करना है, ये ध्यान रखिए। ओएमआर शीट मिलेगी आपको, वहीं आपको गोले काले करने होते हैं। ओएमआर शीट में उत्तर अंकित करने के लिए प्रश्न में सम्मुख दिए गए विकल्प को अनुसार ही आपको सही उत्तर के विरुद्ध को काला करना होता है, ठीक है। एक ये बात कही कि ओएमआर शीट में विरुद्ध को काला करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन या HB पेंसिल का ही आपको प्रयोग करना है, यानी पेन आपका नीला या काला हो या फिर HB पेंसिल का ही आप यूज करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं, 1, 2, 3 और 4, इनमें से केवल एक ही विकल्प आपका सही मिलेगा। आपको सही तरीके यहाँ दिखाए गए हैं कि किस प्रकार आपको, यहाँ एक उदाहरण दिया गया आपको, इसमें ये प्रश्न दिया गया कि किस प्रकार ये निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 273, 275, यहाँ आपका आंसर ये 2 आता है। तो आप इस तरह 1, 2, 3 और 4 में से जिस तरह 2 को आप बिल्कुल काला करेंगे, ठीक है, ये करेक्ट वे ऑफ द मार्किंग द आंसर, सही वे है। और अगर आप इस तरह कर देते हैं, ऐसे निशान लगा देते हैं, ठीक है, या आधा काला कर देते हैं, या आधा काला कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है आपका आंसर, ये रॉन्ग वे ऑफ मार्किंग द आंसर।
सही भी ये है, ऐसे ही करें आप, बाकी को ना छेड़ें आप। ओके, आगे आपका, आप अगर गणना कार्य या रफ कार्य करना चाहते हैं तो प्रश्न पुस्तिका में कर सकते हैं। ये देखिए, आपको रफ कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप सीधे अपने अध्यापक से स्पष्टीकरण ले सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ प्रश्न कैसे आए थे 2017 में और उनके आंसर कैसे हमें देने हैं। यहाँ देखिए आप, इसमें लिखा गया है कि प्रश्न नंबर एक से पाँच नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इस अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। यहाँ आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि नीम छोटी चमकदार हरी पत्तियों वाला एक सदाबहार वृक्ष होता है। इसका तना सीधा होता है, इसकी छाल कठोर खुरदरी पपड़ीदार होती है। इसमें वसंत ऋतु में छोटे छोटे फूल खिलते हैं। यह वृक्ष कभी भी पत्ती रहित नहीं होता, क्योंकि इसकी सभी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। यह पूरे भारत में पाया जाता है। संस्कृत में नीम का नाम अरिष्ट है, जिसका अर्थ है रोगों से मुक्ति देने वाला। इसे चमत्कारी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नीम के वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा दवाइयां बनाने काम आता है। यहाँ देखिए आप, प्रत्येक हिस्सा। नेक्स्ट, इसके बीजों का तेल निकाला जाता है, जिसे मार्गोसा तेल कहते हैं। यह तेल कोढ़ चर्म रोगों के उपचार में काफी प्रभावशाली होता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग चेचक के उपचार के लिए किया जाता है। नीम की चाय का प्रयोग अक्सर सिर दर्द और बुखार में आराम पाने के लिए किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग आंत संबंधी रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। नीम की छाल और गोंद से भी कई प्रकार की अचूक दवाइयां बनाई जाती है। भारत में लोग नीम की टहनी का उपयोग अपने दांत साफ करने के लिए करते हैं। दराजों और लकड़ी की अलमारियों और तिल चट्टों और कीट पतंगों से बचाने के लिए उसमें नीम की सूखी पत्तियां रखी जाती है। गन्ने और सब्जियों की फसल के लिए खाद के रूप में नीम का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं और उसकी पत्तियों को अपने घर में मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं से दूर रखने के लिए तोरण के रूप में बांधते हैं। ऊपर द्वार पर बांधते हैं, किस लिए? बुरी आत्माओं से दूर रखने के लिए। नवजात शिशु को अच्छे स्वास्थ्य के रोगों में बचाव के लिए नीम की पत्तियों पर लिटाया जाता है। निसंदेह सारे संसार में अद्भुत वृक्ष के रूप में जाना जाता है। अब देखिए आप, यहाँ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसी आपके अनुच्छेद में से। ये प्रश्न देखिए, ये कहता है कि नीम की छाल कैसी होती है। अब नीम की छाल, इसमें एक तो हरी नहीं है, एक कठोर और हरी नहीं है, एक मुलायम नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब खुरदरी और पपड़ीदार, ये आपका आंसर उसमें आप पढ़ लेंगे दोबारा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नीम के फूल किस रोग के उपचार के लिए होते हैं? अगर आप पैरे को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आंत रोग के लिए, उपचार के लिए प्रयोग होते हैं। नीम की सूखी पत्तियां अलमारियों में क्यों रखी जाती है? तो वो कीड़ों से बचाव के लिए रखी जाती है। बाकी आंसर आपके गलत हैं, ठीक है? आपका दूसरा आंसर होगा, ये आपको ओमर शीट में काला करना है, ठीक है? जहां गोले काले करने हैं वहां। प्रश्न चार, कुछ लोग नीम की पत्तियों को तोरण के रूप में मुख्य द्वार पर बांधते हैं, तो क्यों बांधते हैं? तो वहां उसमें जो पैरे में लिखा हुआ है ये है कि बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए। ये आंसर आपका। नेक्स्ट है, नीम अद्भुत वृक्ष क्यों कहलाता है? नीम अद्भुत वृक्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि इस वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है, ठीक है? नेक्स्ट, अभी आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब 6 से 10 तक आपको अब अलग पैरा मिल जाएगा, ठीक है? इस पैरे को आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आपको आंसर देने होंगे, ठीक है? तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं। हेमा कहती है कि हेलो, मैं हेमा हूँ। क्या आपको पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ऐतिहासिक स्थलों पर घूमना पसंद है। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं हैदराबाद घूमी, चार मीनार एवं गोलकुंडा किला देखा। इस वर्ष मैं आगरा गई और ताजमहल को देखकर बहुत खुश हुई। हर बार मैं नए स्थान का दौरा करती हूँ और नए नए दोस्त बनाती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि अगले साल मुझे कौन सी जगह घूमनी चाहिए? आगे अली है। अली कहता है कि मेरा नाम अली है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं नई चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता हूँ। मेरी विज्ञान की अध्यापिका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे कहती है कि प्रश्न पूछना वैज्ञानिक जिज्ञासा की शुरुआत है। पिछले सप्ताह मैंने डिस्कवर्ड क्वेश्चन नामक किताब पढ़ी, इसे बहुत जानकारीपूर्ण एवं रुचिकर पाया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्षा बूंदों के रूप में क्यों गिरती है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर इसी किताब में पाया। अब रजत कहता है कि हेलो दोस्तों, मैं रजत हूँ। मुझे खेलने कूदने का शौक है। मैं फुटबॉल खेलने को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। यह सकर के नाम से भी जाना जाता है और 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इस खेल में गोलकीपर, डिफेंडर और स्ट्राइकर होते हैं। मैं फुटबॉल के सारे मैच देखता हूँ। एक दिन मैं बाईचुंग भूटिया की तरह भारत के लिए खेलना चाहता हूँ और उसी की तरह स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। ये बात रजत ने कही। अब जॉन है। जॉन कहता है कि हेलो, मैं जॉन हूँ। वातावरण को हरा और साफ रखना मेरा शौक है। क्या आप जानते हैं कि इस बारिश में मौसम में मैंने
विद्यालय में चार पेड़ों के पौधे लगाए थे, ये चार पेड़ कौन से हैं? जामुन, नीम, आम और गुलमोहर के हैं। मेरे अध्यापक ने मुझे पौधों के साथ इनकी नेम प्लेट लगाने को कहा है। मेरी कक्षा की सोमा पोस्टर को डिजाइन कर रही है, उसकी रुचि चित्रकारी में है। अब आप इनको पढ़ के इनके आंसर देंगे, या मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है। यहाँ कहता है कि गोलकुंडा और ताजमहल में क्या समान बात है? अब इन दोनों में समान बात है कि ये दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो आप, कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान से पढ़ने, आप सही नहीं है। सोकर कहा जाता है, ये बात तो सही है। 11 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है, ये बात भी सही है। इसे खेलने के लिए 2 टीमों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ये केवल गोलकीपरों द्वारा खेला जाता है, ये बात सही नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 4 नंबर। ओके, आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट, छोटे पौधों को कैसे पहचानोगे? छोटे पौधों को तो हम ऐसे पहचानेंगे, पेड़ों के नाम पौधों के पास लगा दिए जाएंगे, पेड़ों के नाम उसकी वो जो स्टिकर लगा देंगे ना, उस पर पट्टी। अब इसमें एक सोमा अलग सी लड़की है, उसके बारे में पूछा है, तो उसमें वो चित्रकारी उसको अच्छी लगती है, ठीक है, किस चीज़ में अच्छी है वो? चित्रकारी में। नेक्स्ट, इमा और अली को के कौन से शौक समान है? तो उसमें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें नई चीजें, नए स्थानों को खेलना पसंद है, ये 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां एक विज्ञापन दिया गया आपको, यहां एक ये विज्ञापन होता है, पोस्टर होता है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो इसको आप ध्यान से पहले पढ़ लेना बच्चों, फिर आपके आप इसके आंसर दे सकते हैं। ये देखिए आप, पहले हम पढ़ेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन, जन जन की भागीदारी, स्वच्छ सुंदर रेल हमारी, यानी रेलवे संबंधित है एक जानकना। कूड़ेदान का प्रयोग करें, शौचालय का प्रयोग करें, और थूक दान का प्रयोग करें, पानी की बचत करें, रेलवे परिसर में रेलगाड़ियों में गंदगी फैलाने पर 500 रुपये आपका जुर्माना हो सकता है। और पूर्वोत्तर रेलवे ने यह जारी किया है, और गांधी जी ने एक बात कही थी कि खुद खुद को बदलिए, बदलाव खुद तो बदलाव, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। रेलवे परिसर में रेलगाड़ी में गंदगी न फैलाएं, कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें, दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, ये बातें इस पोस्टर में कही गई है। इस पोस्टर से संबंधित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखिए आप, इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है सफाई के लिए प्रेरित करना, ठीक है, ये नहीं है गांधी जी के बारे में बताना, नहीं है लोगों को जुर्माना प्रेरित करना, ये भी नहीं है। तब का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप दिखना चाहते हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दुनिया में बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है, यानी खुद को बदलिए, इससे दुनिया बदली जाएगी, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करने से जुर्माना हो सकता है? अब कूड़ेदान का प्रयोग करने से जुर्माना नहीं होगा, थूकदान का प्रयोग करने से भी नहीं, और रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से ये हो सकता है, पानी का नल बंद करने से नहीं होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट, एक लड़की ने अपने पिता से कहा कि केले के छिलके सीट के नीचे मत डालिए। अब विज्ञापन में कौन सी बात लागू होती है? कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें, ये बात लागू होती है। तो इसमें ये बात लागू नहीं है, ये भी लागू नहीं है, ये भी लागू नहीं है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत का मिशन का उद्देश्य, वैसे तो केवल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य है भारत को स्वच्छ बनाना। तो आपका आंसर ये आएगा। ओके, अब आ गए आपके मैथ के सवाल, गणित के सवाल आ गए हैं, प्रश्न नंबर 16 से। तो इसमें कहता है कि कौन सा समय 1 दिन के बराबर है? ये आपको ध्यान से समझना है बच्चों, 1 दिन के बराबर है। तो 1 दिन के बराबर ये तो नहीं है 12-12 घंटे, 24 घंटे और 60 मिनट, यानी 1 घंटा, तो ये बात सही है बिल्कुल, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ एक आपको प्रश्न दिया गया है 5x/8 और 3x/8। तो जब आपके हर समान हो तो ऊपर वालों की घटा कर लीजिए, आप ऐसे करेंगे, हर समान हो तो 8 ऊपर आ गया, 5x में से 3x गए तो 2x ऊपर आ जाएंगे। ओके, और इसको हम 2 गुणा x मानेंगे तो ये 2 से कटकर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा x/4, आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक ABCD एक चतुर्भुज है और PQRS इसके सर्वांग समय है, ध्यान रख लीजिए आप बच्चों। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है कि एक ABCD एक चतुर्भुज है और एक अन्य चतुर्भुज PQRS, अब देखिए इसके समांतर सर्वांगासम बनानी, बिल्कुल इसकी जैसी, इतनी ही लंबाई वाली, इतनी ही चौड़ाई वाली सर्वांगासम, उसी को बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वाली, ठीक है,
बिल्कुल इसके सेम। तो इसने कहा पी क्यू आर एस, तो ये इसका बिंदु पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। ओके, आगे कहा क्या है कि ए बी सी डी के बराबर आकार है इसका, यदि कोण पी और कोण एस, कोण पी और कोण एस 80 डिग्री के हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आप देखेंगे ध्यान से। तो यहां एक बात सत्य लग रही है मेरे को, ये वाली पी क्यू और ए बी, पी क्यू ये वाली लाइन और ये ए बी वाली लाइन, ये दोनों बराबर है, तो आपका उत्तर ए है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आप देखेंगे रीटा और रेनू, ये आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इस पूरे प्रश्न को देखते हैं। रीटा और रेनू एक कक्षा में तीन विषयों में परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं, रीटा और रेनू, ये रीटा और ये रेनू, इसकी 78, 76, 74, इसकी 72, 82 और 74। अब इनको हम कुल जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 228 नंबर हैं इसके, और इसके भी 228 नंबर बन रहे हैं। ओके, तो यहां आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन उचित है, तो रीटा के औसत अंक रेणु से अधिक है तो ये बात गलत है कि दोनों के बराबर हैं, रीटा के औसत अंक रेणु से कम है तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों के बराबर हैं, रीटा और रेणु के औसत अंक बराबर है, ये बात बिल्कुल सही है, कौन सा कथन उचित है, तो ये बात 33 नंबर ही सही है आपका आंसर, और रीटा और रेणु के औसत अंकों की तुलना नहीं की जा सकती, ये गलत है, कि तुलना की जा सकती है, तो आपका आंसर आएगा ये 3 नंबर वाला। ओके, नेक्स्ट, अब ये भी प्रश्न काफी बढ़िया है, अब ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ में विभिन्न प्रकार के विद्यालय, बाल विद्यालय, बालिका विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय और सायकालीन विद्यालय, इनका यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा। बाल विद्यालय के लिए ये वाला है, तो ये वाला बाल विद्यालय है, ठीक है, ध्यान से समझिए आप। अगला है बालिका विद्यालय, तो बालिका वाला ये विद्यालय है, ठीक है, और अगला है सह शिक्षा, सह शिक्षा वाला ये है, थोड़ा सा ध्यान करें आप बच्चों, इसमें जो संकेत दिखाए गए हों, और सायंकालीन वाला विद्यालय ये है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, ये अब हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, कौन सी बात सत्य है ये देखते हैं। ये कह रहा है कि सह शिक्षा विद्यालयों की संख्या, अब सह शिक्षा वाले ये हैं, ठीक है, और बाल विद्यालयों की संख्या से, और बाल वाले ये हैं, अब इन दोनों को देखिए, इसको और इसको, ये टोटल के 50% के आधे आधे हैं, ये टोटल 50% इधर हो गए, तो ये 25% है ये वाला, और ये वाला भी 25% है, तो ये दोनों बराबर हैं, सह शिक्षा वाले और बाल वाले ये दोनों ही बराबर हैं, तो अधिक का ये बात तो चली नहीं, ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है बाल विद्यालयों की संख्या, ये वाले बाल विद्यालय हैं, ओके, कुल विद्यालयों की संख्या के आधे से अधिक है, अब अगर आधा, आधे से तो कम है ये, तो देखो आधा इधर होता, आधे से कम ही रहेगी ये, तो अधिक यह बात गलत हो गई, ये सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सायकालीन विद्यालय कौन से, ये वाले, कुल विद्यालयों की एक तिहाई से अधिक है, ये एक तिहाई से कम है, ठीक है, अधिक नहीं है ये, तो ये बात भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट आगे है कि बालिका विद्यालय एवं सह शिक्षा विद्यालय, अब बालिका विद्यालय, ये बालिका विद्यालय और ये सह शिक्षा विद्यालय, कुल बाल विद्यालयों की संख्या, कुल बाल विद्यालय है, इनसे ये अधिक है, ये 50% से कम है, ये वाले 50% से कम है, और ये दोनों मिला के 50% हैं, तो ये ज्यादा हो गया ना इधर वाले, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आपका आंसर 4 नंबर आएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम, यानी पहले ज्यादा और फिर कम है, ठीक है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आंसर हो सकता है, यहाँ 0.44 ये सबसे ज्यादा है, इससे कम ये, इससे कम ये और इससे कम ये, तो अधिकतम से न्यूनतम ये आएगी। ओके, आगे आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है ये देखिए आप, तो यहाँ 5/7 प्लस 5/14 गुणा में 6/21, तो पहले आप इसको हल करेंगे। ओके, तो हम इसको देखते हैं,
क्योंकि ब्रैकेट होती है ना, तो पहले इसको हल करेंगे, 5/14 गुणा में 6/21, इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा, 6 से इसको काटेंगे 3 से, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7, 3 × 6 = 321, और यहाँ हम करेंगे 2 × 7 = 14, तो आपका यहाँ आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे आएगा 4 7 7 49, तो 5/49 ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ इतना इसका आ गया 5/49, और ये 5/7 + 5/49, ओके हो गया। अब इनका हम जोड़ करेंगे, तो इनका जो पहले हम लघुत्तम समाहर्तक लेंगे तो वो 49 आ जाएगा, फिर इसको हम करेंगे इससे गुणा भाग करेंगे 7 से 7 5, ये आ जाएगा 35, और प्लस में 49 = 49, 5 = 5 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 40/49, ये आंसर आपका आ जाएगा 4 नंबर। ओके नेक्स्ट, एक गेंद 30 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया है, इस आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई क्या होगी, ये देखो आप ध्यान से देखो बच्चों कि एक आयत है इस तरह, इसकी लंबाई ये चौड़ाई ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये आयत बना, ये इतना लंबा तार है यहाँ शुरू होता है, ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो ये 6 है, तो दूसरी चौड़ाई भी 6 ही होगी, ओके, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया टोटल 12 सेंटीमीटर। ओके अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये कितना बच गया, टोटल 30 होना चाहिए, तो 12 तो हो गया, अब बच गया 18, ये और ये दोनों मिलके 18 है, ध्यान करना बच्चों, ये और ये दोनों मिला के 18 है, तो यानी एक 9 मानेंगे हम और एक 9 मानेंगे तब जाके 18 होंगी, ओके, तो यहाँ ये इसकी जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है और ये लंबाई भी 9 सेंटीमीटर है, तो अब इसको जोड़ के आप 9 और 6 15 और 9 और 6 15, 15 और 15 30, ओके, तो इसकी जो लंबाई आ गई वो 9 सेंटीमीटर आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ओके। इसके तरीके और भी हैं वैसे, ये आसान तरीका है। अब देखिए, ये कह रहा है कि एक नया पुल बनाया गया है जिससे एक बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगने वाला समय है वो 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो गया है, तो दोनों शहरों के बीच परसेंट बताना है हमें, अगर 50 में कमी कितनी आई है, 10 मिनट की कमी आई है, ध्यान रखें आप बच्चों, 50 में कितनी कमी आई है, 10 मिनट की, और अगर 100 मिनट होती तो कितनी कम आती, 20 मिनट की कमी आती, तो 100 पर कितना हो गया, 20% बोलते हैं इसको, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2 नंबर, 20% की कमी हो गई है, ओके। यहाँ एक वर्ग पट का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, अब भुजा की लंबाई निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह एक तरीका होता है, ये तरीका होता है, इसको हम निकालेंगे इसका 70 56 इसका निकालेंगे, तो यहाँ जोड़े बना लेते हैं इसे, तो हम पहले करेंगे 8 से 8 8 64, यहाँ बच गए आपके 6 और ऊपर से 56 उतार लिए, 8 का दुगुना हो गया 8 × 2 = 16, और अगर हम 4 से इसको गुणा करते हैं, ठीक है, तो 4 × 16 16 × 64 और 1 65, ओके, तो यहाँ 4, तो आपका आ गया 84, आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर, ये 84 आ जाएगा, ओके। वर्गमूल निकाल लेंगे आप, आगे बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो आप बच्चों, अब इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र में छोटे ब्लॉकों को जोड़कर, ये छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना आप, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक, ये एक, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये एक, ठीक है, ओके, ध्यान करना, यदि छोटे ब्लॉकों के माप तो एक बराबर हैं तो इनमें कौन से बड़े ब्लॉक का आयतन कम होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, ध्यान करें आप, अब इसमें कितने ब्लॉक का ध्यान करें आप, 1 2 3 4, ऊपर 4 हैं ये और 4 ही फिर नीचे होंगे, तो यहाँ 8 है टोटल, ध्यान करिए आप बच्चों, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें टोटल 12 ब्लॉक है, ओके, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर हैं और 6 ही नीचे हैं, तो इसमें भी टोटल 12 ब्लॉक है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर और ये 6 नीचे, तो इसमें भी 12 हैं,
तो इनमें तो 12 12 हैं, इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है और इसमें है 8। और इसने पूछा क्या था कि अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, तो आपका आंसर एक आएगा। ओके, एक नंबर वाला ये अलग है क्योंकि इसमें 8 है। ओके, नेक्स्ट। अब है रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुना से 5 अधिक है। ठीक है, ध्यान करना बच्चों। यदि रवि के पिता की आयु एक्स वर्ष है तब रवि की आयु कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो आप देखेंगे कि कुल आयु में से आप 5 साल घटाएंगे एक, तो क्योंकि 5 साल कम है, और जो उत्तर आता है उसको हम 3 से भाग भी करेंगे तब रवि की आयु आएगी। तो आपका ये वाला बनेगा। ओके, एक्स घटा 5 और भाग में 3, उसकी पिता की आयु में से 5 घटाएंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 से भाग करेंगे। इस तरह मान लीजिए उसके फादर की आयु 50 वर्ष है, तो 50 में से हम 5 घटाएंगे, ठीक है, टोटल आ गया आपका 45। 45 को 3 से भाग करेंगे तो वह रवि की आयु आ जाएगी 15 साल फिर। ओके, इस तरह का आंसर आ जाएगा। यहाँ एक दंड आरेख दिया गया है, उसमें महीने ज्ञात कीजिए। बिजली बिल की खपत का अंतर 30 मेगावाट है वो बताना है आपको। 30 मेगावाट, ये मेगावाट है 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब महीने में देखो, जनवरी में आपने 40 खर्च किया, फरवरी में किया 30, मार्च में 50, अप्रैल में 60, मई में 40, तो अंतर 30 का अंतर बताना है कौन से महीनों में। फरवरी में 30 और अप्रैल में 60, तो इन दोनों में 30 का अंतर है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, फरवरी में अप्रैल में 30 का अंतर है। नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखो। अब संख्या रेखा को देखो, यहां पर कोई भी संख्या है तो इधर ये प्लस में है और ये वाली माइनस में होती है, ठीक है, 0 से इधर वाली पता आपको। तो आप देखेंगे कि क्यू में से माइनस करें पी को, ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस पहले ही है तो ये जुट जाएगी फिर, ठीक है, तो क्यू में पी है वो जुट जाएगी लास्ट में अगर इस दो वाले को हम करते हैं तो। ओके, यहां सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, अधिकतम संख्या ये मान होगा आपका, ये भागवाड़ा, ये गुणावाड़ा भी नहीं होगा, गुणावाड़ा तो माइनस में चला जाएगा, भागवाड़ा माइनस में चला जाएगा, जोड़ करेंगे तो भी संख्या कम आएगी। ये अगर इसमें से ये घटा का ही घटाएं तब आपका आंसर ज्यादा आ जाएगा, तो अधिकतम पूछा इसने, अधिकतम आपका आंसर 2 आएगा। अब ये देखिए, ये है 5 की घात 200 किस किस समान है, ठीक है, तो इसमें जो आधार है उनकी गुणा, अगर सेम आधार और उनकी गुणा हो तो घातें आपस में जुड़ती है, तो इसका जो मान है वो 5 की 200 आता है, या घातें जुड़ती है, ठीक है, तो आपका आंसर ये वाला है तो वो तीसरा आंसर है। ओके, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति क्या होगी ये देखना आपको। 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर करेगी, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी हो जाएगी। अब आ गए आपके विज्ञान के प्रश्न, ठीक है भाई जो इसमें है, ये आपका प्रश्न है, ये ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि 4 विद्यार्थी पानी की समान मात्रा को एक जैसी प्रखनलियों में उबालते हैं, तो वे अपनी प्रखनलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखते हैं। विद्यार्थी ए है वो तो बाह्य क्षेत्र में रखता है, जो ज्वाला जल रही है ना वहां, एक मध्य क्षेत्र में, एक आंतरिक क्षेत्र में, एक आंतरिक और मध्य क्षेत्र में। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो ज्वाला का बाह्य क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो विद्यार्थी ए का पानी सबसे पहले उबलेगा, ठीक है, ये बात इसने पूछी है, तो आपका आंसर ए आ जाएगा, यहां सबसे ज्यादा तापमान होता है। एक किसान गुलाब की खेती करना चाहता है तो वह परिवर्धन का कौन सा तरीका अपनाएगा? गुलाब की खेती के लिए कलम लगाई जाती है बच्चों, ठीक है, ओके, तो आपका आंसर ये आ जाए, ये डी। आगे है, आपके विद्यालय के प्रांगण में एक वृक्ष है, पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देता है, इन पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? कि पत्तियों को प्रांगण में जला देना ये गलत है, पत्तियों के आसपास के क्षेत्र में बहा देना ये भी गलत है, पत्तियों के गड्ढे में डालकर कंपोस्ट यानी खाद बनाना ये बात सही है, बिखेर रह देना ये गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर 3। आगे है, यहां एक किरण आ रही है और वो टकरा रही है इससे, दर्पण से, और वापस कौन सी किरण जाएगी ये पूछ रहे हैं ये, ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि जैसा चित्र में दिखाया गया एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, तो परावर्तित किरण कौन सी है? ये किरण आई
प्रावर्तित सेम कोण पर जो प्रावर्तित होती है वही होती है बच्चों। तो ये बी वाली किरण है ना, ये इसकी प्रावर्तित किरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा टू नंबर किरण बी। आगे आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा संपर्क बल है, संपर्क में आने पर कौन सा बल लगता है। ठीक है, वैसे तो संपर्क में आने से घर्षण बल लगता है, ठीक है, कई बार चुंबकीय बल भी लगता है, तो ये आप थोड़ा सा कन्फर्म कर लेना। आगे है, एक बॉल बिंदु ए से छूटकर विभिन्न प्रकार की अक्षीय सतहों पर जाती है, तो किस सतह पर बॉल अधिकतम दूरी पर जाएगी, ज्यादा दूरी पर कहाँ जाएगी, तो ईंट होगी तो उसका घर्षण होगा तो ये कम दूरी पर जाएगी, शीशे पर बहुत ज़्यादा दूरी जाएगी, सीमेंट पर भी कम और कीचड़ में भी कम जाएगी, तो सबसे ज़्यादा दूरी शीशे पर जाएगी क्योंकि चिकना होगा, घर्षण कम होगा तो लंबी दूरी जाएगी वो। नेक्स्ट, यहाँ देखिए आप इस प्रश्न को ध्यान समझिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये। तालिका में चार शहरों का एक दिन का तापमान दर्शाया गया है और वर्षण यानी तापमान अधिकतम न्यूनतम ये दिखाया गया इन चार शहरों का तापमान, ठीक है, और नीचे वर्षण कितनी वहां पर वर्षा हुई। अब ये कह रहा था किस शहर में हिमपात हुआ, हिमपात का मतलब होता है बर्फबारी, बर्फबारी वहां होगी बच्चों जहां पर माइनस में तापमान होगा, तो माइनस में तापमान शहर बी का है और शहर डी का भी है, ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी में हुआ, तो यहां वर्षण देखो आप, फिर वर्षण यहां नहीं हुआ, वर्षण यहां हुआ 5 सेंटीमीटर हुआ है, तो इसका मतलब हिमपात यहां हुआ है, तो शहर बी में हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा दो नंबर, शहर बी में हिमपात हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका कि कौन सा कथन उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उदासीनीकरण वो होती है जब अक्षारिय में अम्लीय को मिलाकर उनका जो अक्षारपन और अम्लपन है वो कम कर देना, तो यहाँ पर सही आंसर आपका चार नंबर है, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा लगाते हैं तो आपका उदासीनीकरण हो जाएगा। आगे है, आगरा में ताजमहल के आसपास अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं, उद्योगों की उपस्थिति द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि होती है, तो क्योंकि वहाँ जो है वो CO2 और CO गैस निकलती है, उससे एक अम्लीय वर्षा होती है बच्चों, तो अम्लीय वर्षा का उत्पन्न होना ताजमहल के जो पत्थर है उसको नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही होगा, बाकी उत्तर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालते। आगे है बच्चों, रेशमा ने दुर्घटनावश अपना हाथ एक ज्योति यानी ज्वाला यानी आग पर रख दिया और तुरंत तो वापस खींच लिया, उसे ऊष्मा की अनुभूति हुई, ऊष्मा का यह संवेदन किसके द्वारा, तो ऊष्मा का संवेदन हमारी तंत्रिकाओं द्वारा होता है, तंत्रिकाएं बताती है मैं। ओके, कौन निम्न में से कौन सी विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव का उपयोग है, तो विद्युत घंटी में चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है, और निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं होता, ध्यान करिए उल्टा नहीं होता, जल से भाप और भाप से जल ये उल्टा हो जाता है, कोयले का जलना ये उल्टा नहीं होता, ठीक है, लवण का जल में घुलना निकलना ये हो जाता है, मूंग का पिघलना ये भी हो जाता है, तो उल्टा नहीं होता वो ये वाला है, आपका आंसर नंबर टू आएगा, कोयला जल के वापस नहीं बनता कभी। पौधों में श्वसन कब होता है, रात्रि के समय, दिन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, हर समय होता है बच्चों, आपका आंसर तीन होगा, हर समय। अब ये देखिए, एक जाल खाद्य जाल दिखाया गया है, ठीक है, ऐसी जोड़ती है, तो आपको इसने प्रश्न क्या पूछा है ध्यान से देख लिया आप, कि कौन सा कथन सही है कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को खाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है भाई, प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को खाते हैं ये गलत है, प्राथमिक उपभोक्ता उल्लू प्राथमिक नहीं है, द्वितीय है, और गाजर प्राथमिक उपभोक्ता ये भी गलत है, तो आपका आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दिए गए चित्र में आपको मानचित्र को देखें आप ध्यान से। ओके, ये देखिए आप, अब इसमें क्या दिखाया गया है, फसल दिखाई गई, ये कोई है, तो इस एरिया की जो फसल है वो सबसे ज्यादा धान है, यहाँ पर इन एरियो में धान होता है, ध्यान करें बच्चों आप, ये धान की फसल है यहाँ, ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश असम छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ धान की फसल दिखाई गई है। आगे है कि यदि आप अपनी कक्षा में यार भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे, तुरंत तुरंत आप मदद के लिए पुकारेंगे तो काम नहीं चलेगा, शिक्षक
की बातों का इंतजार करेंगे तो नहीं चलेगा, समय वहां शांति से बैठने से काम चलेगा, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। ये आपका आंसर अब सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से उपनिवेशी शासनों के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग निम्नीकरण के क्या कारण थे? वैसे तो भारत में जो हथकरघा उद्योग था वो इन सभी कारणों से खराब हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कारण ये था कि मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं आ गई थी ब्रिटेन से, तो भारत की हाथ से बनी वस्तुएं का बिकती नहीं थी, तो हथकरघा उद्योग है वो नष्ट हो गया। तो आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट, ये सामाजिक की प्रश्न है बेटा। आगे आपको एक धरती का चित्र दिखाया गया है, उसमें भूमध्य रेखा और 0 डिग्री एक सांस है ना, ये भूमध्य रेखा होती है, उसको ध्यान करें आप, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दिखाया गया है? ये धरती का चित्र है और बीच में ये भूमध्य रेखा है, इधर 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ ये दिखाया गया है, तो ये बीच वाला एरिया ये कौन सा है? तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश बोलते हैं इसको बच्चों, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का जलवायु प्रदेश है ये, ध्रुवीय तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है, शीतोष्ण भी नहीं है, मानसूनी भी नहीं है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है ये। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान एक सामाजिक सुधार हुआ, कौन सा सुधार हुआ? तो सती प्रथा का अंत था वो सामाजिक सुधार था भाई, ठीक है। नेक्स्ट, यहां एक इसने मृदा का चित्र दिखाया गया है, ठीक है, मृदा का अवलोकन करना है आपको, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ये दिखाया गया है, यहां ए वाली मृदा इतनी है, बी वाली ये वाली है, सी ये है, डी ये है, तो मृदा को आप ध्यान से देखें। आगे कहता है कि सबसे उपयुक्त परत कृषि के लिए, अब कृषि के लिए सबसे उपयुक्त परत है वो सबसे ऊपर वाली है, वो ए परत है, ये आपका 3 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ एक है नदी का चित्र दिखाया गया, ये नदी का चित्र बेटा इसको ध्यान से देखें आप, ये कह रहा है कि जहां ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली जगह क्या है, देखो यहां तीर का निशान दिया, ये क्या है? तो इसको हम नदी का विश्रप बोलते हैं, विश्रण, यहां पर मूर्ति है विश्रप। आगे है, 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो उसमें तुरंत जो कारण था वो नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने का संदेह, ये मुख्य कारण था। ओके, आगे है, एक 10 वर्ष का बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है, स्थिति में भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो इसका मतलब होता है कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, वो एक अधिकार है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, तो ये इस अधिकार का हनन हो रहा है वहां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी संस्था कानून बनाती है? कौन सी संस्था कानून बनाती है? वो है संसद, ठीक है, हालांकि ये दोनों ही है सारे ही, लेकिन मुख्य तौर पर जो कानून बनाने का काम है वो संसद का है, कानून बनाने, संसद में दोनों आ जाएंगे ना। नेक्स्ट यह है कि भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि स्वच्छता है वो जीने के अधिकार का हिस्सा है। अब ये बात हम कहें कि अन्य कोई काम नहीं है, ये बात गलत है, अनुमति नहीं देता ये भी गलत है, स्वयं नहीं कर सकते ये भी गलत है, तो आपका आंसर ए ही आएगा, ठीक है, जीने के अधिकार का हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? केवल सरकार, तो शिक्षा भी निजी हो सकती है, बस सेवा भी निजी हो सकती है, अनाजोपूर्ति भी निजी हो सकती है, रेलवे है ना वो केवल सरकार देती है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा रेलवे। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहते हैं, तो कौन सी संस्था अनुमति देने में सक्षम है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपको अनुमति दे सकती है, क्योंकि शिक्षा है वो समवर्ती का विषय है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत वो आता है। आगे, ये मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जहां औरंगजेब और अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, ये देखो आप, ठीक है। अब इसमें ये दो बात पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए भारतीय राज्यों में चित्तौड़ और आमेर कहां स्थित है? चित्तौड़ और आमेर आप ध्यान से देखेंगे, अब ये देखिए चित्तौड़ यहाँ है और आमेर यहाँ है, ठीक है, आमेर ये जयपुर को बोलते हैं आमेर, ठीक है, तो ये कौन से राज्य में है? तो ये राज्य आपको पता होना चाहिए बच्चों की, ये राज्य राजस्थान है, तो आपका आंसर कहाँ आएगा देखेंगे आप, ये राज्य राजस्थान है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ये वाला। ओके, ध्यान से पढ़ें इस प्रश्न को आप।
नेक्स्ट आपका है, मान लीजिए आपकी कक्षा के लिए आपको 2000 पेन खरीदने हैं, तो आप कौन सी दुकान पर जाना पसंद करेंगे, ये आपसे पसंद किया गया है। 2000 पेन खरीदने हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान खरीदना हो ना बच्चों, तो आप थोक की दुकान पर जाएं, और थोक की स्टेशनरी की दुकान पर जाएंगे। थोक का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान खरीदा और बेचा जाता है, जो सस्ता होता है, ठीक है। तो इन दुकानों का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो आज का हमने 2017 का ये प्रश्न पत्र हल किया है बच्चों, आशा है आप समझ गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न और हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। आपका जल्द ही ये पेपर NAS का होने वाला है, 12 नवंबर की आपकी डेट है अभी। थैंक यू बच्चों, ओके।